सो मेरी जान, तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज आप लोग का छोटा भाई आप लोग के लिए बहुत ही मस्त हाई क्वालिटी HD में फेस को कैसे स्मूथ करें एंड कैसे इतना खतरनाक गोरा करें आज आप लोग के बीच में लेकर आ गया है खतरनाक वीडियो। और आप लोग भी सीखना चाहते हैं कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ हाई क्वालिटी HD में फोटो एडिटिंग, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें एंड स्टेप बाई स्टेप वॉच करते रहें। और आप लोग भी चाहते हैं कि इसमें कुछ इस टाइप का कलर डालना, तो हमारे वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखें एंड इस तरह का स्मोकिंग फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो मेरे जान, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने ओरिजिनल फ़ोटो को Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो मेरे जाने रहा हम लोग का Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन, तो यहाँ से अपने इस पर क्लिक करके Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन में फ़ोटो अपना शेयर कर लेना है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का फ़ोटो जो है Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अपने फ़ोटो पर क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे अपने फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहां पर ऑटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहां पर ऑटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर देख सकते हैं तो हम लोग को फ़ोटो में जो है लाइट अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन पर आने के बाद हाईलाइट को पूरा माइनस कर देंगे 100%। उसके बाद इसको शैडो को पूरा 100% प्लस कर देंगे। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसका ग्रीन वाले कलर को चूज करेंगे। उसके बाद इसका ह्यू को पूरा माइनस कर लेंगे और उसके बाद इसका सैचुरेशन भी पूरा माइनस कर लेंगे एंड येलो कलर का भी ह्यू को पूरा माइनस कर लेंगे एंड सैचुरेशन भी पूरा माइनस कर लेंगे। तो हम लोग का बैकग्राउंड जो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो और ही अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ से इस वाले कलर पे आने के बाद, ऑरेंज कलर आने के बाद इसका सैचुरेशन जो माइनस करेंगे तो हम लोग का फेस जो है काफ़ी खतरनाक औसम तरीके से वाइट हो जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको 36 पे कर लेंगे, इसको 37 पर। उसके बाद यहाँ से डन करने के बाद उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको क्लैरिटी को कम से कम 20 पॉइंट बढ़ा लेना है, इसको भी बढ़ा लेना है। उसके बाद विग्नेट को माइनस कर लेना है ताकि हम लोग का फोटो में जो क्वालिटी आ जाए खतरनाक वाला ब्लैक वाला। उसके बाद इधर आने के बाद तो मेरे जान, आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखेगा, नहीं तो आप हमारे जैसा हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद कलर नॉइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद इन दोनों को ऑन कर लेना है ताकि फ़ोटो सेव करते समय हम लोग का क्वालिटी जो है लो ना हो। ऐसे ही हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, नहीं तो इस तरह का हाई क्वालिटी HD में फेस स्मूथ नहीं सीख पाएंगे एंड स्मोकिंग फोटो एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके हम लोग अपना फ़ोटो जो है गैलरी में सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग का फ़ोटो जो है गैलरी में सेव हो चुका है, तो वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद ले चलेंगे अपने स्नैपशीट में। उसके बाद यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस यहाँ पर स्नैपशीट हम लोग का है, यहाँ पर देख सकते हैं स्नैपशीट में चले जाना है। उसके बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने फेस पे जहाँ जहाँ सा अभी ब्लैक सा रहेगा उस पर कैसे सिलेक्ट करने के बाद ऐसे इसका सर्कल जो है छोटा और कर लेंगे। उसके बाद ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे एंड सैचुरेशन को माइनस करेंगे ताकि हम लोग का फेस जो है काफ़ी हाई क्वालिटी में गोरा हो जाए। उसके बाद जहाँ जहाँ सा ब्लैक है वहाँ पर अपने सेलेक्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इतना करने के बाद मैं जल्दी से कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे। उसके बाद टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ट्यून इमेज पे क्लिक करेंगे एंड इसका कॉन्ट्रेस्ट जो है थोड़ा सा प्लस कर लेंगे ताकि हम लोग का फोटो जो है और HD हो जाए। इसको भी थोड़ा सा प्लस कर लेंगे एंड साइडों को और भी प्लस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर इतना हम लोग का फ़ोटो में चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे, हम लोग का फ़ोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मेरे जान, देख सकते हैं कितना हो चुका है हम लोग का फ़ोटो। उसके बाद इसको स्मूथ करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर देंगे तो हमारे जैसा हाई क्वालिटी HD में फ़ोटो स्मूथ करना नहीं फेस स्मूथ करना नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। तो यहाँ से शेयर कर लेते हैं स्केच बुक अप्लीकेशन में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्केच बुक हम लोग का है, इसमें से शेयर कर लेते हैं।
तो मेरी जान, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो फ़ोटो है स्केच बुक अप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का कितना ब्रश है। मैं बताने वाला हूँ किस ब्रश को सिलेक्ट करना है, किससे हाई क्वालिटी HD में स्मूथ होता है। आप लोग देख सकते हैं इस ब्रश को सिलेक्ट करना है, यहाँ से देख सकते हैं उसका सेटिंग यहाँ पर देख लीजिए। सेटिंग में कुछ इस टाइप का सेटिंग रहेगा, नहीं समझ आ रहा है तो स्क्रीनशॉट आप लोग मार सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप लोग। उसके बाद अपने फ़ोटो को ऐसे जूम करके अपने फेस पे ऐसे ब्रश हल्का करके हाथों से चलाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ख़तरनाक HD क्वालिटी में हम लोग का फेस जो है स्मूथ हो रहा है। आप लोग देख लीजिए साइज को और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और मेरी जान अपना फ़ोटो जितना ही जूम करके आप लोग स्मूथ करेंगे उतना ख़तरनाक स्मूथ होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं जल्दी से कर लेता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरी जान आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो फेस है जो वो काफ़ी हाई क्वालिटी HD में स्मूथ हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐसे इसको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके एक डबल लेयर बना लेंगे लिप्स को रेड करने के लिए। उसके बाद इसमें कलर चूज कर लेंगे अपना, जिसमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे रेड में कर लेता हूँ। उसके बाद इस पेंसिल वाले बाद उसके बाद इस वाले ब्रश को चूज करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए सेटिंग में कुछ इस टाइप का रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, नहीं समझ आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद इस पे बैक आने के बाद अपने लिप्स पे ऐसे अप्लाई करेंगे धीरे धीरे और साइज को बढ़ा कर लेते हैं। अपने लिप्स पे ऐसे आप धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद जो डबल एयर बनाए थे उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैक आने के बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग का लिप्स जो है काफ़ी हाई क्वालिटी में रेड हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा कलर है। तो फिर से इस वाला आने के बाद फिर जो डबल लेयर बनाए थे उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका जो ऑपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को देख सकते हैं हम लोग का फोटो जो है काफ़ी खतरा। चश्मे का कलर चेंज करने के लिए आप लोग देखते रहिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मिस्टेक कर देंगे तो हमारे जैसा फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे HD में हाई क्वालिटी में। तो फिर से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके डबल लेयर बना लेंगे। उसके बाद जिस कलर से अपना ग्लास को चेंज कलर करना चाहते हैं उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका ब्रश वाला आइकन पर आने के बाद इसी ब्रश को फिर से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सेटिंग फिर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, यही ब्रश है। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप लोग, उसका सेटिंग में भी देख सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद अपने फ़ोटो को ऐसे जूम करके अपने चश्मे में ऐसे कलर डाल सकते हैं साइज को और बड़ा करके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आराम से अपने चश्मे में कलर डाल सकते हैं। उसका फिर से इसी वाले ऑप्शन पर आने के बाद जो डबल एयर बना था उस पर सेम टू सेम क्लिक करना है। उसका नॉर्मल पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देना है। उसका फिर से बैक आने के बाद फिर से इसका ऑपेसिटी जो है और माइनस कर देंगे इतना पे कम से कम। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके अपना फोटो जो है गैलरी में सेव कर लेंगे। तो मेरे जान में ऐसा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ये जरूर पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मैं अगले वीडियो में सब बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ स्मूथ कैसे लगाएं एंड बाल को कैसे स्मूथ करें। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इसका दूसरा वीडियो मैं लाने वाला हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर